हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं कार फोर्ट से। और यहाँ पे ना मैं रात में आया हूँ और मेरे को क्या देखने को मिल रही है भाई, फरारी F XX, मतलब ये वाली गाड़ी लगी हुई थी, इसलिए मैं अपनी खुद की कार भी ले आया इससे रेस करने के लिए। तो मैं पता है भाई बिड में हम इसकी गाड़ी जी सकते हैं, तो जल्दी से ना रेस करते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हो ये ना NOS सब कुछ डला हुआ है, तो ठीक है रेस स्टार्ट करता हूँ पहले मैं, एंड से रेस करने के बाद इसकी गाड़ी को जीतते हैं। बस मैं जल्दी से ना इसकी कार जीत जाऊँ, तो डन। तो ठीक है गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं रेस ट्रैक पे और मेरे को इससे आगे रहना है, इसलिए ना मैं पहले ही ना लाइन के पास चला जाऊँगा और कोशिश करूँगा लाइन से थोड़ा आगे रहूँ, जिससे कि ना मेरी गाड़ी तेज भागे। तो चलो ठीक है, अभी के लिए ना जल्दी से इसकी गियर में डालते हैं अपनी कार को एंड यहाँ पे लाते हैं, थोड़ा आगे कर लेता हूँ ठीक है, वो ना काफ़ी आगे जाएगा। वेट, लाइन से आगे नहीं निकलना, ठीक है गाइस। तो फाइनली हम आगे आ चुके हैं और एक सेकंड, ये लाइन से आगे निकला हुआ और मैं लाइन के अंदर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। चलो अभी के लिए भाई स्पीड में चलना है, बूस्ट वगैरह लगा के। तो ठीक है, अभी मेरे को ना काफी ज्यादा फास्ट जाना पड़ेगा और काफी पीछे है वो गाड़ी एंड मैं जीत जाऊंगा आराम से, दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, सही टाइम पे गुड गियर डाला है, 10.6 सेकंड में पहली बार फरारी डबल है। वेट बेट में मैं $48,000 जीत रहा हूँ। ओ भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बैट में मैंने भाई गाड़ी नहीं लगाई थी, पैसे लगाए थे भाई, दिक्कत होगी यार। ये तो मैंने सोचा था कि मैंने गाड़ी लगाई है, बट यहाँ तो भाई पैसे लगे हुए हैं यार, शिट भाई, गलती सीन हो गया हमारे साथ। बट चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए ना फरारी डबल एफ, मतलब फरारी F XX को लेके चल रहा हूँ अपने शोरूम में। तुम्हें याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने कुछ गाड़ियाँ लगाई थी अपने शोरूम में एंड उन गाड़ियों को सेल वगैरह करना है, एंड मैंने ना उन गाड़ियों को लगा दिया। और मेरी ये कार चल कैसे रही है भाई, अंधेरे में इसका अलग ही सिस्टम चल रहा है। रुको रुको रुको, कहाँ गई इसमें, थोड़ी स्पीड देनी पड़ेगी मेरे को। वेट, और अभी मेरा शोरूम काफ़ी ज़्यादा नहीं पास है, वो रहा मेरा शोरूम। एंड में ना अभी मैं शोरूम भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा दूंगा। तुम्हें पता है पिछले एपिसोड में हमने पूरा शोरूम अपना रीबिल्ड करा था एंड ये रहा अपना शोरूम, सारी गाड़ियाँ मैंने ना लगा दी है शोरूम के अंदर। एंड अभी क्या करना है मेरे को, शोरूम मतलब अभी घर चलना है, नेक्स्ट आना है, इनके प्राइस वगैरह सेट करने हैं और इन गाड़ियों को करना है सेल। तो ठीक है, अभी के लिए ना मैं जल्दी चलता हूँ, नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे इसका अगला फ्लोर भी बना दें। तो ठीक है, अभी के लिए ना मैं जल्दी से चलता हूँ अपने घर पे एंड घर पे भी देखते हैं आज हम $48,000 जीते हैं। एंड मैंने कुछ गाड़ियाँ भी सेल करी थी तो उसका भी पता लग जाएगा। तो चलो अभी ना मैं चेक कर लेता हूँ भाई क्या पैसा बनाया है, $2,25,000 बनाए हैं हमने आज के दिन। मनी स्पेंड करे थे 24,000 जो कि मैंने गाड़ी पे करी थी, एंड सही में दिक्कत होगी यार, वहाँ पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ मेरे को 1 मिलियन का प्रॉफिट होता बट लॉस हो गया यार। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन आई थिंक, वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, 2 या 3 मिलियन की गाड़ी थी, मैं भूल गया भाई 5 मिलियन तक जाती है, 3 मिलियन की कार मैंने ऐसे ही छोड़ दी एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो ठीक है, अभी के लिए ना सारा का सारा कूड़ा फेंकते हैं हम। कहाँ गया हमारा भाई कूड़ा, और वर्कर पता नहीं क्या कर रहा है यार, वर्कर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये आया वर्कर। तो ठीक है, यहाँ पे ना सारा कूड़ा फेंकना है मेरे को, ठीक है डन। अभी ये चक्के फेंक देगा एंड मेरे को अभी सारी गाड़ियाँ रेस पे मतलब अभी वहाँ लगानी है, देन अभी को लेके चलते हैं हम, चेक करते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी कार्स हैं और देखते हैं भाई ऑप्शन में भी गाड़ियाँ भी जीतना जरूरी है। तो चलो भी ना जल्दी से चल के आते हैं, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है मेरे को ऑप्शन में बस रेयर कार कोई निकल गई, देन हमारा फ़ायदा है, क्या पता लगे हम उस दिन मतलब कल रात नहीं जीते, देन आज एक रेयर कार मिल जाए। वेट, यहाँ एक बक रैग, यार बक रैगर लगी है तो मेरे हिसाब से यहाँ रेयर कार नहीं लगी हुई। तो ठीक है, बक रैगर के कारण हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं लगी हुई जो कि रेयर हो, मतलब कार मार्केट में ऑडी R8 ये सब लग जाती हैं बट ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। तो चलो अभी के लिए रेस देखते हैं, रेस में कोई रेयर कार हो देन हमारा प्रॉफिट होगा। यार रेयर कार्स ना बहुत ज़्यादा कम मिलने लग गई है, मतलब रेस वगैरह में भी रात में मिली थी बट रात में दिक्कत क्या, इसको क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों बंद होगी। वेट, पता नहीं क्या सीन हुआ, इंजन उंजन ख़राब हो गया क्या मेरी कार का। वेट ठीक है चलो, हाँ मैं बात कर रहा था भाई गाड़ियाँ जो रेयर है ना वो बहुत ज़्यादा कम मिल रही हैं पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखो दो चोमू सी कार खड़ाई हैं जो कि मैं रेस भी करूँगा अगर इनसे तो क्या फ़ायदा। वेट, इससे मैं बात करता हूँ भाई, इसने हमारी निसान GT का इंजन ही सुन के रेस हार जाएगा पहली बार लग रहा है। तो चलो गाइस फाइनली रेस स्टार्ट हो चुकी है, अब बारी है इस गाड़ी को हराने की और देखनी है वो सेकंड कार कौन सी आती है जो कि हमसे रेस कर सके। तो ठीक है मैं रेडी हूँ एंड ये भी शायद से रेडी ही होगा बट इसको पता नहीं है निसान GT कितनी तेज भागती है। तो चलो, और यहाँ पे फोटोग्राफर्स आए हैं कुछ जो कि फोटो ले रहे हैं हमारी गाड़ियों की। तो ठीक है भाई, हाथ उठ चुके हैं मैडम के एंड अभी मेरे को क्या करना है इस रेस में, जीतना है।
ठीक है अभी ना आगे लगा लेता हूँ भाई। कुछ डॉलर्स की रेस है तो दिक्कत नहीं है यार, गाड़ी वगैरह की होती तो दिक्कत हो सकती थी, बट ठीक है चलो अभी 9 पे आ। ठीक है 2 1 लेट्स गो। तो ठीक है गाइस अभी के लिए भाई निसान जीटी की स्पीड काफी ज्यादा तेज है एंड भाई उसको इतनी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है भाई, बहुत ज्यादा पीछे है वो। कितने पे आएगा, 12 पॉइंट कुछ सेकंड पे आया होगा, 12.2 सेकंड है। निसान जीटी उसके हाफ टाइम में ही जीत चुकी थी भाई, देखो निसान जीटी का कोई जवाब नहीं है। तो चलो अभी के लिए, और यहाँ एक मस्टैंग लगी है, मस्टैंग से रेस करने का कोई वो बनता नहीं यार हमारा, मेरा मन नहीं है मस्टैंग से रेस करने का अभी। एंड अभी कोई रेयर कार लगती देन मजा ज्यादा आता, बट ठीक है चलो अभी के लिए ना यहाँ से जल्दी से चलते हैं अपने शोरूम में। अब गाड़ियाँ सेल करेंगे, अब कुछ बचा नहीं है, ऑक्शन में कोई गाड़ी नहीं थी बढ़िया, देन अब कोई चांस नहीं है कि हमें रेयर कार मिले। पिछली वाली रात मिल सकती थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ना बैट किसकी लगाई, पैसों की, गाड़ी की नहीं लगाई। तो चलो गाइस आ चुके हैं अपने शोरूम पे एंड अभी ना मेरे को इन सारी गाड़ियों को सेल पे लगाना है। तो ठीक है अभी ना अपनी निसान जीटी को यहाँ ले जाके खड़ाते हैं, बेचारी फरारी FXX कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा इसको कि मालिक लेके गए बट बैट किसकी लगाई भाई, पैसों की बैट लगाई। तो ठीक है वो देखो मेरा वर्कर जा रहा है और यहाँ वेट, ओ भाई मैं गिलास से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ठीक है तो चलो अभी के लिए मेरे को सारी गाड़ियाँ सेल पे लगानी है, मेरे पास है काफ़ी सारी गाड़ियाँ और 73,000 का बिल बना था हमारे शोरूम का, बट ठीक है। और यहाँ पे ना मस्टा वगैरह लगी हुई है, रुको मेरे को लगानी शुरू करनी है पोर्च से प्राइस। तो ठीक है यहाँ पे पोर्च है और एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है यहाँ पे, देखो प्राइस बता रहा है तुम्हें कि अपनी कार का कितना प्राइस तुम लगा सकते हो। तो नीचे से हम क्या करेंगे, प्राइस चेक कर लेंगे, 1,40,000 तक हम इसका प्राइस लगा सकते हैं। ठीक है तो ऐसे क्या होगा, जो कस्टमर हो गए वो रेयर प्राइस लगा पाएंगे हमारी गाड़ियों के। तो चलो मैं जल्दी से वाला काम खत्म कर लेता हूँ, अपनी सारी गाड़ियों के प्राइस बढ़िया बढ़िया लगाता हूँ, देन सेल करते हैं अपने शोरूम में अपनी कार्स। तो ठीक है गाइस फाइनली लास्ट कार का प्राइस लगाना है, सारी गाड़ियों को मैंने प्राइस लिख दी है एंड यहाँ पे ये गाड़ी जाएगी $24,000 की। तो चलो गाइस देखो मैंने लिमिटेड प्राइस लगाए हैं हाई सबके एंड प्यार से इतने कस्टमर हमारे गाड़ियाँ परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है अभी के लिए ना मेरे को जल्दी से चलना है बाहर, अपना शोरूम ओपन करना है और देखने भाई कितने सारे कस्टमर आने वाले हैं मेरे शोरूम में। और एक सेकंड, ये वर्कर क्या कर रहा है यार, डॉज वाइपर यहाँ पे हमारी गंदी खड़ी हुई है और उसने वॉश ही नहीं करा हमारी डॉज वाइपर को। तो ठीक है अभी ना मैं जल्दी से ना इसे वॉश करता हूँ एंड वेट करता हूँ। ठीक है यहाँ पे अपनी वॉश हो चुकी है ना, वर्कर कहाँ गया हमारा, वेट इसको ना मेरे को थोड़ा, भाई क्या कर रहा है यार वर्कर तू यहाँ पे, मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए एंड तूने अपनी डॉज वाइपर ही साफ नहीं करी, वो शायद से वहीं जा रहा है। तो ठीक है अभी के लिए ना चेक कर लेता हूँ सारी गाड़ियों पे सेल का टैग आ चुका है या नहीं। वैसे मेरे को लगता तो है कि यहाँ पे सारी गाड़ियों पे सेल का टैग आ चुका है, ये देखो भाई सारी गाड़ियों पे सेल का टैग लग चुका है और मेरे को क्या करना है अब, इन गाड़ियों को सेल, और सेल के लिए ओपन करना पड़ेगा अपना शोरूम। और वेट यहाँ पे ग्लास था मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है और इसको गेट को भी ओपन करूँ, बेचारे गेट बंद से ना जा पाए। तो ठीक है गाइस फाइनली ओपन हो चुकी है बड़ी सेल, अब आएंगे काफी सारे कस्टमर और परचेस करेंगे अपनी मनपसंद कार, रेयर कार को छोड़ के। रेयर कार का हम एक दिन सेल लगाएंगे एंड वो काफी ज्यादा बड़ी सेल होगी। तो ठीक है भाई कस्टमर्स को जाने दो यहाँ पे एंड अभी के लिए, दो मिनट यहाँ पे मैं क्या कर रहा था भाई, ठीक है अभी के लिए मेरे को लग रहा है वो कस्टमाइज वाला यूज नहीं कर सकते हम, जब हमारा शोरूम ओपन हो हम तब यूज नहीं कर सकते हैं अपना कस्टमाइज का वो। तो ठीक है और यहाँ कस्टमर पे कस्टमर भाई जा ही जा रहे हैं, कितने सारे कस्टमर जा रहे हैं भाई, मतलब कि हमारे शोरूम में कम से कम 500 कस्टमर आज जाने वाले हैं जिस हिसाब से ये बढ़ते जा रहे हैं। 500 क्या, 1000 कस्टमर्स भी हो सकते हैं, बट ठीक है चलो अभी के लिए मैं जल्दी चलता हूँ यहाँ से अपने शोरूम के अंदर एंड अभी मेरे को ना बस इन्हें सेल करनी है कार, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ठीक है और यहाँ पे देखो भाई सारे कस्टमर अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, वेट इसके, ओ वेट मैं अपने वर्कर के पास जा रहा था भाई, मेरे को लगा वो गाड़ी खरीदने आया, बट वर्कर तो गाड़ियाँ धोने आ रहा है ना। तो ठीक है अभी के लिए कितना प्राइस लगा रहे हैं हमारी कार का, $34,000 एंड मैंने मिनिमम रखा है इसका 55,000, बहुत ज़्यादा कम है, 31,000 पे तो वैसे परचेस करके आया था तो बार्गेनिंग करने का भी कोई सवाल उठता नहीं है, देगा नहीं इतना पैसा। ठीक है इसको भगाता हूँ मैं, दो मिनट यार, यार बढ़िया प्राइस नहीं दे रहा हमारी गाड़ियों को, हमने काफ़ी अच्छे प्राइस रखे इस बार कार के एंड इन्हें देने चाहिए। तो ठीक है 42,000 ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा आसपास है, $5,000 के करीब मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है फाइनली 47,000 पे हमने एक कार को सेल कर दिया, अभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि मेरे को सेल करनी है। तो चलो यहाँ पे $70,000 के दे रहा है $52,000, तो मैं मिनिमम इसका लगा सकता हूँ $25,000 की मैं एक कार लेके आया था, तो तुम लगा लो भाई
अच्छे प्राइस में हम इस कार को सेल कर रहे हैं। तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जा सकते हैं आप। एंड अभी मेरे को भाई भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे शोरूम में। वेट, और ये मैडम कहाँ देख रही है भाई, पीछे की साइड। मैडम गाड़ी देखो जो लेने आए हो आप। तो ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डेंट है। एंड ये दे रहे मेरे को $29,000, 20,000 की मैं परचेज करके आया हूँ, तो 33,000 में मैडम को परचेज कर लेनी चाहिए $4,000 के ऊपर। ओ डन भाई, मैडम ने भी कहा ऐसा मौका क्यों छोड़े हम। तो चलो अभी के लेना जल्दी जल्दी। यहाँ पे दो कस्टमर खड़े हैं भाई सूट बूट में। रुको, इनका प्राइस पता करते हैं, कितने में लेना चाहते हैं सर हमारी कार को। $91,000 में। यार सुप्रा का प्राइस और बढ़ सकता है क्योंकि ये थोड़ा कम है प्राइस मेरे हिसाब से। सर दो मिनट रुको, मैं आपसे बार्गेनिंग करने से अच्छा इन सर से भी बात कर लूँ क्या एक बार। रुको, आपसे बात करने से अच्छा इन सर से भी बात कर लेता हूँ, क्या पता ये आपसे ज़्यादा प्राइस मेरे को दे रहे हो इस कार का। तो रुको अभी चेक। $96,000, ठीक है। ये गाड़ी मैं आराम से 110,000 पे सेल कर सकता हूँ। सुप्रा 120,000 तक में सेल कर रहे हैं। एंड हो सका, डन गाइस, डील डन हो चुकी है। 110,000 में हमारी सुप्रा की। एंड अभी $56,000 में ऑडी TT सेल हो रही है हमारी। तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे 41,000 दे रहे हैं सर मेरे को। ठीक है, वैसे 41,000 भी, बट दो मिनट से ना बार्गेनिंग वर्क करके देखें क्या। वेट, ये साइज से और बढ़ा सकते हैं, $5,000 और बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ठीक है, $45,000 इन्हें बोला है मैंने, एंड डन। तो चलो, इन्होंने भी अपनी कार ले चुके हैं। एंड यहाँ पे तीन कस्टमर खड़े हैं जो कि इस कार को देख रहे हैं, रेड वाली। यहाँ पे अभी बहुत सारे कस्टमर आए हैं भाई, इनको मतलब संभालना मुश्किल है। बट कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार वर्कर वगैरह रख नहीं सकते, नहीं तो ना वर्कर हमारी गाड़ियाँ सेल करते, देन हम लेके आते। और भी वर्कर होते ना, गाड़ियाँ वगैरह लेके आते, ऊपर रखते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। तो ठीक है, मैंने काफ़ी गाड़ियाँ सेल कर दी है। एंड अभी भी और बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको गाड़ियाँ सेल करनी है। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब मॉर्निंग में आए, एंड तब हम अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको सेल करें। और अभी रात हो चुकी है, रात का आज प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो सेल नहीं करी क्योंकि मैं रेस में भी गया था, ऑक्शन भी चेक करा, तो इसमें टाइम लग गया था। अभी भी कस्टमर मेरे शोरूम के अंदर हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो चलो अभी के लिए मैं चल के सो लेता हूँ। एंड आज का प्रॉफिट हुआ है $2,76,000 का, बढ़िया प्रॉफिट हुआ, इतना भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो ठीक है, चलो आज का दिन ख़त्म करते हैं एंड चलते हैं अब नेक्स्ट डे। तो चलो आज का दिन ख़त्म हो चुका है। एंड कार मार्केट अभी ओपन हुआ है, तो कार मार्केट भी जाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें पता है अभी गाड़ियाँ कलेक्ट करनी है। तो चलो अभी ना जल्दी चलता हूँ अपने शोरूम में भाई, आज काफ़ी सारी गाड़ियाँ सेल तो करनी थी एंड काफ़ी सारा काम भी ख़त्म करना है। तो चलो ठीक है, फाइनली शोरूम पे आ चुका हूँ मैं। एंड यहाँ पे अभी भी कस्टमर ऊपर की साइड, भाई कस्टमर आने में लगे हुए हैं अभी भी। वेट भाई, कस्टमर का सीन तगड़ा ही है। ओ वेट, मैं निसान GT पे जैसे बैठा, यहाँ पे इस आउट ऑफ रीच कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि भाई दिख नहीं रही है, मतलब कि यहाँ से अपने सेकंड वाले फ्लोर से हट चुकी हैं। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन गाड़ियों को सेल कर दूँ अगर वो लगी हुई हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या सीन हुआ है यहाँ पे, बट कुछ गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, कुछ गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है। और ये कस्टमर भाई जाने में लगे हुए हैं। रुकना, ये कितना मेरे को इन गाड़ी का प्राइस दे रहे हैं, ऑडी S5 का वेट $24,000 एंड इनको $27,000 का दो मिनट देता हूँ। ठीक है, ले लेंगे, डन डन। तो यहाँ पे ऑडी, ठीक है, ऑडी S4 जो भी थी, चलो छोड़ो। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा यार सारी गाड़ियाँ भाई क्या सीन है यहाँ पे। मैंने इतना बढ़िया शोरूम बनाया था, वर्क भी कर रहा था, बट यहाँ से थोड़ा सा वर्क करना हट चुका है। ये मेरे को लग रहा है ना ग्लिचेज है इनका, जो कि इन्होंने सही नहीं करा, मतलब जो हमारा पिछली बार डिस्ट्रॉय करा था हमने अपना शोरूम, वो इसी रीज़न की वजह से करा था। और यहाँ पे 27,000 सर दे रहे हैं, बट मैंने इन्हें 32 का ऑफ़र दिया, बट ये माने नहीं। तो ठीक है, 30 तक साइज से मान जाए। तो चलो भाई, ये क्या था, शोरूम से भाग गया वो बंदा। वेट, इतना अच्छा मैंने प्राइस दिया था उन्हें, बट वो जा चुका है यार, समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। तो चलो अभी के लिए यहाँ मैडम दे रही है मेरे को $50,000 इस कार के। ठीक है भाई, 50,000 एंड 64,000 की मैं कार लेके आया था। तो चलो अभी ना मैं इनसे बार्गेनिंग करता हूँ एंड देखता हूँ ये मेरे को कितना और प्राइस दे सकते हैं। 55,000 बोल रहा हूँ इनको ऐसे मैं, एंड बस दे दें ये प्राइस मेरे को। वेट, ठीक है, डन, हमारी एक और कार सेल हो चुकी है। और धीरे धीरे ना जो इसकी लिस्ट है आउट ऑफ रीच की, वो साइज से कम भी हो रही है अगर नोटिस करो तो तुम। जो ठीक है, यहाँ पे 77,000 की ये दे रहे हैं, मैं 72,000 में गलती से सेल कर दूंगा इसे। ठीक है भाई, ले गया, 22,000 पे मैंने सेल कर दिया, 72,000 भाई दिक्कत होगी यहाँ पे। और इन मैडम को चाहिए वॉल्क्सवैगन गोफे कार। तो ठीक है, अभी के लिए इनका प्राइस क्या है, 29,000
तो चलो अभी देखते हैं इन्हें, देखे क्या ये 29,000 से 33,000 तक आएंगी मैडम या फिर नहीं। तो चलो दे दिया 33,000 का मैंने मैडम को ऑफर, एंड अभी देखते हैं मैडम। ओह ठीक है डन, हमारी ये वाली कार भी सेल हो चुकी है। और यहाँ पे भाई झूठ में बंदे खड़े हुए हैं, रुको यहाँ पे ना, मेरे को इनको सेल करनी है गाड़ी। 1,07,000 की है मैडम बोल रही है कार, एंड देखते हैं भाई कितने में लेंगी ये। रुको पहले हेडफोन सेट करते हैं, ठीक है तो फाइनली अब पता लगेगा। डन, तो हमारी डील यार देखो काफ़ी बढ़िया चल रही है। और यहाँ पे भाई इस मैडम के बालों के अंदर इन सर का मुंह आ रहा है, अरे अजीब ही लग रहा है। 56,000 डॉलर का इस गाड़ी का प्राइस हमें मिल रहा है, एंड 76,000 की ये गाड़ी है। और सर भाई भाग चुके हैं पता नहीं क्या। और भाई एक उसके अंदर चार बंदे खड़े थे, और अभी नहीं चार नहीं पांच बंदे खड़े थे। ये देखो भाई मुंह सबके मिक्स हो गए हैं, क्या चल रहा है यार ये। रुको इनसे बार्गेनिंग करते हैं, 61,000 बोल रहे हैं, 65,000 पे वेट। भाई दो कस्टमर और भाग गए, और ये मैडम भी भाग चुकी है। भाई कस्टमर रुक नहीं रहे यार, ये भी भाग गई भाई मैडम, ये भी भाग गई, एंड के ना भागे बस। रुको 60,000 मैडम ले जाओ बस इसको जैसे तैसे करके, 65,000 दे रहा हूँ आपको ऑफर, पिछली वाली मैडम को भी इतना ही दिया था, बस परचेज करो डन। तो ठीक है ये वाली मैडम लेके जा चुकी है गाड़ियाँ। यार अभी भी ना कस्टमर आ रहे हैं ऊपर, पता नहीं कौन सी कार्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। इतनी सारी गाड़ियाँ दी है इन्होंने, बट सब पे एक ना एक कस्टमर खड़ा है। और ये देखो अभी कस्टमर आना रुक नहीं रहे हैं। मेरे को लगा था कि गाड़ियाँ वगैरह पता नहीं क्या सीन है, बट गाड़ियाँ सेल हो रही है शायद, ऐसा कुछ है आउट ऑफ फ्रीज साइज से अपनी तरफ से ग्लीचिस वगैरह है जो कि बता रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है देखते हैं भाई, कार मार्केट चल रहा है वहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह सेल परचेज करनी है, वो गाड़ियाँ भी लेके आनी है। अभी ना मेरे साइज से कार रेस भी देखी थी, वो भी देख लेता हूँ, एंड वहाँ चलने के बाद देखते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ गाड़ियाँ ना कम हो चुकी हैं, पहले काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी आउट ऑफ रीच, बट अभी आ चुकी है चार पांच गाड़ियाँ हो चुकी है जो कि आउट ऑफ रीच है। पहले 10-15 आ रही थी, 10 कम से कम तो आ ही रही थी। तो चलो भाई फाइनली हमारी गाड़ियों को भी ना भाई लूज मोशन लग चुके हैं लग रहा है, इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है, 29-30 की स्पीड पे पता नहीं क्या सीन है। तो ठीक है अभी भाई थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ी है तो ठीक है। और यहाँ पे भाई दो गाड़ियाँ ऐसी लगी थी, इतनी बेकार कार है कि इनसे रेस भी नहीं कर सकते हम। तो चलो अभी के लिए ना कार मार्केट चलते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ परचेस करेंगे सारी, एंड अपने शोरूम में लाके खड़ाएंगे। आज मैंने काफ़ी गाड़ियाँ परचेस कर ली हैं जितनी भी मेरे को करनी थी, एंड नहीं सॉरी सेल कर दी हैं, और मेरे को और गाड़ियाँ लेके आनी है। और तुम मेरे को बताओ क्या कहते हो, कुछ चैलेंज देना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सा चैलेंज देना चाहोगे, ऑडी R8 कलेक्ट करने का, या कौन सी कार, बस रेयर कार को छोड़ के, रेयर कार में काफ़ी टाइम लगता है, उसके अलावा कोई भी गाड़ी का तुम चैलेंज मुझे दे सकते हो। और यहाँ पे एक चेवलेट खड़ी है, और भी कुछ कार्स हैं जो कि हमें परचेस करनी है यहाँ से, तो ठीक है सिनेमा मैं बाय कर लेता हूँ, बढ़िया प्राइस में मिल रही है 87,000 पे, एंड ये सेल हो जाएगी कम से कम 1,00,000 में। और एक SUV खड़ी है यहाँ पे कोडा कोडियार, देन ये कितने में सेल कर रहा है बंदा, $32,000। तो ठीक है डन भाई, दो गाड़ियाँ परचेस कर ली है मैंने। और यहाँ पे भी कोई बढ़िया कार नहीं, यही वाली गाड़ी नहीं यार छट्टो। और यहाँ पे ओ यहाँ पे एक डॉज चार खड़ी है, रुकना डॉज चार का प्राइस क्या है यहाँ पे, ओ डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है $21,000 में दे रहे हैं ना ये कार को, चलो $21,000 में हम इस कार को परचेस कर लेते हैं। थोड़ी बहुत डैमेज ऐसे ना रिपेयर सेंटर में भेजना पड़ेगा, एंड अभी मेरे पास एक फरारी भी है इधर, वेट एक फरारी है इधर, ठीक है इस फरारी का प्राइस क्या लगाया सर ने, ओ भाई $4,00,000 में इस फरारी को मैं सेल मतलब परचेज कर रहा हूँ, इतने में तो ऑडी R8 परचेज कर लेता हूँ। तो ठीक है इनको ना मेरे को अपने शोरूम में भेजना है, शोरूम में इन्हें ना जल्दी जल्दी भेजता हूँ। तो चलो अभी ना इसको रिपेयर सेंटर भेजना है, इसमें थोड़ा बहुत डैमेज था ठीक है। और अभी मेरे पास और कौन सी गाड़ियाँ थी, चेवलेट है, एक SUV खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है इसको मेरे को भेजना है रिपेयर सेंटर, यार थोड़ी बहुत डैमेज ये भी है, एंड इसको भेज देता हूँ टाओ ट्रक से डन। तो फाइनली मैंने सारी गाड़ियाँ सेल मतलब भेज दी अपने शोरूम पे। तो चलो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आपको वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ वाला एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।